एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लाइफ विद वर्षा। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ लिपस्टिक के 6 हैक्स। कुछ ऐसे हैक्स जो आप यूज करोगे अपने डेली लाइफ में या फिर शादी पार्टी, जहां भी आपको यूज करना है। तो लिपस्टिक तो हम सब लगाते हैं, बट जो सैलून में जो मतलब अलग तरीके की लिपस्टिक, कुछ ऐसे हैक्स है, अगर उन हैक्स को यूज करके आप लिपस्टिक लगाएंगे तो आपको हर कोई ये कहेगा कि आप बिल्कुल सैलून से रेडी होकर आए हैं। तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से बोलना चाहूंगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। तो चलिए शुरू करते हैं हैक नंबर 1। वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत पसंद आने वाला है आपको और बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो हैक नंबर 1, जब भी आप लिपस्टिक यूज करते हैं तो आपके जो लिप्स हैं ये ड्राई होते हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको यूज करना है, तो हमारे जो लिप्स होते हैं वो ड्राई होते हैं इस तरीके से। तो जब भी लिपस्टिक यूज करें, सबसे पहले आपको अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करना है। और वैसलीन यूज कर रही हूं यहां पे मैं। वैसलीन लगाने से आपके लिप्स तो मॉइस्चराइज हो ही जाते हैं, साथ ही साथ एक अच्छा सा बेस बन जाता है, जिसकी वजह से आपकी लिपस्टिक जो है वो ड्राई ड्राई नहीं लगती, फटी हुई नहीं लगती, बिल्कुल मैट फिनिश आता है आपके लिपस्टिक में। इसको यूज करने के बाद आपको लेना है इस तरीके से ब्रश और आपको अपने लिप्स पे स्क्रबिंग करनी है। जब इस तरीके से आप स्क्रबिंग कर लेंगे तो आप देखेंगे आपकी जितनी भी ड्राई स्किन थी लिप्स के ऊपर की वो निकल चुकी है और आपके लिप्स जो है वो पूरी तरीके से एक्सफोलिएट हो चुके हैं। तो अब जब आप लिपस्टिक यूज करेंगे तो आपकी लिपस्टिक जो है बहुत अच्छा, बिल्कुल मैट फिनिश लगेगा, बहुत अच्छी लगेगी। तो हैक नंबर 2 है, जब भी आप मैट लिपस्टिक यूज करते हैं, ये जो मैंने स्क्रबिंग का प्रोसेस बताया है ये आप हर लिपस्टिक से पहले यूज करेंगे, लेकिन जब मैट लिपस्टिक यूज करते हैं तो आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद आपकी लिपस्टिक जो है वो बिल्कुल सूखी सूखी सी दिखती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लिपस्टिक सूखी सूखी ना दिखे तो आप पहले लिप्स को एक्सफोलिएट करेंगे और स्क्रबिंग करेंगे, मॉइस्चराइज करेंगे, उसके बाद जब आप मैट लिपस्टिक यूज करेंगे तो आपकी लिपस्टिक बिल्कुल भी फटी हुई नहीं लगेगी। और आपकी लिपस्टिक लगेगी बिल्कुल मैट एंड क्रीमी। मेरा हैक नंबर 3 है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लिपस्टिक ट्रांसफर प्रूफ लगे तो आपको क्या करना है, आपको इसी लिपस्टिक के ऊपर बिल्कुल पतला सा टिश्यू लेना है, इस तरीके से रखना है और आपको यूज करना है लूज पाउडर, कोई सा भी लूज पाउडर आप यूज कर सकते हैं यहां पे। अब आपकी लिपस्टिक हो गई है पूरी तरीके से सेट और आप देख सकते हैं। और लिपस्टिक का शेड देखिए, अब आप कुछ भी खाएं पिए, कुछ भी कीजिए, आपकी लिपस्टिक निकलने वाली नहीं है, बिल्कुल सेट रहेगी, एक ही जगह पे रहेगी। तो अब चलते हैं हैक नंबर 4 की तरफ। अगर आप अपने लिपस्टिक को थोड़े से फुलर दिखाना चाहते हैं, यानी कि थोड़े से उभरे हुए दिखाना चाहते हैं, तो आप अपने लिपस्टिक को कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं।
अब आप देख रहे हैं मेरे लिप्स, तो इस तरीके से आप एक फुलर लुक दे सकते हैं अपने लिप्स को। सिर्फ आपको अपने लिप्स के एजेस पे यूज करना है थोड़ा सा एक्स्ट्रा, बीच में ही, पूरे लिप्स पे नहीं यूज करना है, सिर्फ बीच में यूज करना है, और आप देखेंगे कि बिल्कुल फुलर लिप्स लगने लगेंगे आपके। अब बढ़ते हैं अपने हैक नंबर फिफ्थ की तरफ। तो हम सबके लिप्स जो होते हैं, ऊपर के हो या नीचे के हो, दोनों सेम नहीं होते, एक ना एक काला हो जाता है क्योंकि हम अच्छे से यूज नहीं करते। तो जब भी आप लिपस्टिक रिमूव कीजिए तो उसमें एक आपको लेना है कोकोनट वाटर, सॉरी वाटर नहीं, कोकोनट ऑयल, और इसको आप अपने लिप्स पे अप्लाई कर लेना है। इस तरह से जब आप निकालेंगे तो आपकी लिपस्टिक इजिली रिमूव भी हो जाएगी, साथ ही साथ आपकी लिप्स पे जो कालापन हो जाता है लिपस्टिक की वजह से वो नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले वैसलीन यूज की थी तो हमारे लिप्स पे ऑलरेडी एक बेस बना हुआ है, जिस वजह से आपके लिप्स काले नहीं होंगे। और अगर आप चाहते हैं आपके लिप्स ब्लैक हैं ऊपर या नीचे से, कोई सा भी, या नीचे का लिप्स आपका ब्लैक है या ऊपर का ब्लैक हो गया है, पपड़ी वगैरह पड़ गई है, तो आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छा हैक बताने वाली हूं मैं आपको। लेना है अपना फाउंडेशन या फिर कंसीलर, इसका एक अच्छा सा बेस रेडी कीजिए आप अपने लिप्स पे। इसे आप अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। जब आप इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे अपने लिप्स पे तो आपके लिप्स जो हैं वो एक्चुअल कलर में आ जाएंगे। इसके बाद आप कोई सी भी लिपस्टिक यूज करते हैं तो उसका एक्चुअल कलर आपको मिलेगा। तो जो भी कलर की लिपस्टिक आप यूज करेंगे वही कलर मिलेगा, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं यूज करेंगे, अगर आपका एक लिप ब्लैक है और एक थोड़ा सा पिंकिश है, तो वो दो अलग अलग शेड की लिपस्टिक दिखती है। तो एक और हैक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिप्स पे थोड़ा सा अमराई इफेक्ट डालना है आपको अपने लिपस्टिक पे, तो ये हैक आपके लिए होने वाला है बहुत हेल्पफुल। ध्यान से देखिए, जैसे कि मैंने रेड यूज किया हुआ है ऑलरेडी और मुझे इसमें ओमराई इफेक्ट डालना है, तो मैं यहां पे ले रही हूं ये पिंक कलर की, और आपको इस तरीके से लगाना है। ये आपको कैमरे में कम शो होगा, तो मैं यहां पे आपको दूसरी लिपस्टिक यूज करके दिखाती हूं। ये आपको सिर्फ बीच में ही करना है और साइड में आप कोई सी भी लिपस्टिक, अगर आप दोनों साइड डार्कर शेड यूज करते हैं और बीच में थोड़ा सा लाइट, तो वो ज्यादा अच्छा इफेक्ट देगा।
तो ये थे मेरे सारे हैक्स। तो अब मैं देना चाहूंगी आपको टिप्स, कुछ दो ही टिप्स हैं, ज्यादा नहीं दूंगी ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। तो टिप नंबर वन, अगर आप अपने आप को यंगर लुक देना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को यंगर दिखाना चाहते हैं, तो आप हमेशा लाइटर शेड की लिपस्टिक यूज कीजिए। या आप चाहते हैं कि आपके लिप्स जो है उभरे उभरे दिखें, पतले नहीं दिखें, तो आप लाइट शेड यूज कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद है डार्क शेड तो आपकी चॉइस है, आप डार्क शेड यूज कर सकते हैं। बट डार्क शेड जो होता है थोड़ा सा एज का गैप दिखता है डार्क शेड में, साथ ही साथ आपके लिप्स जो है वो पतले दिखते हैं। तो अगर आप अपने आप को यंगर लुक देना चाहते हैं तो आप ऑलवेज लाइट शेड की लिपस्टिक यूज कीजिए, न्यूट शेड की लिपस्टिक यूज कीजिए। सेकेंड टिप ये है कि जब भी आप लिपस्टिक यूज करते हैं तो आप हमेशा लाइनर का यूज जरूर कीजिए, लिप लाइनर का यूज। लिप लाइनर का यूज जब करेंगे तो आपकी लिपस्टिक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में नजर आएगी। और लिप लाइनर जो होता है वो आपको आपके लिपस्टिक से एक शेड डार्क या फिर सेम शेड का ही लिप लाइनर लेना चाहिए, कोई और अलग कलर का लिप लाइनर नहीं यूज करना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप लिपस्टिक यूज करेंगे तो आपकी लिपस्टिक बिल्कुल प्रोफेशनल लगेगी और खूबसूरत बहुत ज्यादा लगेगी। तो ये थे मेरे दोनों टिप्स, आई होप कि आप सबको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।